मेरी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 10 वर्षों में आवंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है। सरकार इस क्षेत्र को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत स्ट्रेटेजिक गेटवेज बनाने के लिए काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में हर तरह की कनेक्टिविटी का बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, हर क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। असम में 27,000 करोड़ रुपया की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया जा रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट मेड इन इंडिया चिप्स को भी सेंटर होने वाला है। मेरी सरकार नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए निरंतर काम कर रही है। पिछले इस 10 वर्षों में अनेक पुराने विवादों को हल किया गया, अनेक अहम समझौते हुई है। नॉर्थ ईस्ट में अशांत क्षेत्रों में तेज विकास करके चरणबद्ध तरीके से अफसा हटाने का काम भी जारी है। देश के हर क्षेत्र में विकास के ये नए आयाम भारत के भविष्य का उद्घोष कर रहे हैं। माननीय सदस्य, वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए समर्पित मेरी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के एक नई युग की शुरुआत की है। देश की नारी शक्ति लंबे समय तक लोकसभा और विधानसभा में अधिक भागीदारी की मांग कर रही थी। आप उनके पास नारी शक्ति बंधन अधिनियम की ताकत है। सरकार की योजनाओं की वजह से पिछले एक दशक में महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है। आप जानते हैं कि बीते 10 वर्षों में बने 4 करोड़ पीएम आवास में से ज़्यादातर महिलाओं के नाम ही आवंटित हुई है। आप तीसरी कार्यकाल के शुरुआत में ही सरकार ने 3 करोड़ नए घर बनाने की स्वीकृति दी है। इनमें से भी अधिकतर घर महिलाओं के नाम पर ही आवंटित होंगे। बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़े हैं। मेरी सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाए हैं। इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद भी बढ़ाई जा रही है। सरकार का प्रयास है कि महिलाओं का कौशल बढ़े, कमाई के साधन बढ़े और उनका सम्मान भी बढ़े। नमो ड्रोन दीदी योजना इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक बन रही है। इस योजना के तहत हजारों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को ड्रोन दिए जा रहे हैं। ड्रोन पायलट बनने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मेरी सरकार ने हाल ही में कृषि खेती सखी कार्यक्रम भी शुरू किया है। इसके तहत अभी तक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 30,000 महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। कृषि सखियों को आधुनिक खेती की तकनीक में प्रशिक्षण किया जा रहा है ताकि वे कृषि को और आधुनिक बनाने में किसानों की मदद कर सकें। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का ये भी प्रयास है कि महिलाएं अधिक से अधिक बचत कर सकें। बैंक खातों में जमा राशि पर बेटियों को ज़्यादा ब्याज देने वाला सुकन्या समृद्धि योजना की लोकप्रियता से हम परिचित हैं। मुफ्त राशन और सस्ते गैस सिलेंडर की योजना से महिलाओं को बहुत लाभ हो रहा है। अब मेरी सरकार बिजली का बिल जीरो करने और बिजली बेचकर कमाई करने की योजना भी लाई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इसके लिए मेरी सरकार प्रति परिवार 78,000 रुपया तक की मदद कर रही है। इतने कम समय में 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार इन योजना में रजिस्टर कर चुके हैं। जिन घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं अब वहाँ बिजली का बिल जीरो हो गया है। माननीय सदस्यगण, विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान सशक्त होंगे। इसलिए मेरी सरकार की योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता इन्हीं 4 स्तंभों को दी जा रही है। हमारी कोशिश, इन तो हर सरकारी योजना का लाभ
पहुंचाने की है और यही सैचुरेशन को की अप्रोच भी है। जो भारत इस इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है कि सरकारी योजना से एक भी व्यक्ति छूटे नहीं, तो इसका लाभ सभी को होता है। सरकार की योजना एवं सैचुरेशन अप्रोच के कारण ही 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछले वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र के परिवार है। 10 वर्षों में लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस ने इन वर्गों का जीवन बदल दिया है। विशेषकर आदिवासी समाज में ये बदलाव मंत्री दिव्याशा केंद्रों का भी विस्तार किया जा रहा है। वंचितों की सेवा का ये संकल्प ही सच्चा सामाजिक न्याय है। माननीय सदस्यगण, देश की श्रम शक्ति के सम्मान के लिए श्रमिक बंधुओं का कल्याण और सशक्तिकरण मेरी सरकार की प्राथमिकता है। मेरी सरकार श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एकीकृत कर रही है। डिजिटल इंडिया तथा डाकघरों के नेटवर्क का उपयोग करके दुर्घटना और जीवन बीमा के कवरेज को बढ़ाने का काम हो रहा है। पीएम स्वनिधि का विस्तार किया जाएगा और ग्रामीणों और सेमी अर्बन क्षेत्रों के रेडी पटरी वाले भाइयों बहनों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। माननीय सदस्यगण, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति समाज के निचले तबके की प्रगति पर निर्भर करती है। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्र की उपलब्धियों और विकास का आधार गरीब का सशक्तिकरण रहा है। मेरी सरकार ने पहली बार गरीब को ये एहसास करवाया कि सरकार उनकी सेवा में है। कोरोना के कठिन समय में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना का लाभ उन परिवारों को भी मिल रहा है जो गरीबी से बाहर निकले हैं, ताकि उनके कदम वापस पीछे ना जाए। स्वच्छ भारत अभियान में भी गरीब के जीवन की गरिमा से लेकर उसके स्वास्थ्य तो का राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया है। पहली बार देश में करोड़ों गरीबों के लिए शौचालय बनाया गया है। ये प्रयास हमें आश्वस्त करते हैं कि देश आज महात्मा गांधी के आदर्शों का सच्चे अर्थों में अनुसरण कर रहा है। मेरी सरकार 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाए हैं। देश में 25,000 जन औषधि केंद्रों को खोलने का काम भी तेजी से चल रहा है। आप इस क्षेत्र में सरकार एक और निर्णय लेने जा रही है। आप आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी मिलेगा। माननीय सदस्यगण, अक्सर विरोधपूर्वक मानसिकता और संकीर्ण स्वार्थ के कारण लोकतंत्र की मूल भावना का बहुत अहित हुआ है। इसका प्रभाव संसदीय प्रणाली पर भी पड़ता है और देश की विकास यात्रा पर भी पड़ता है। देश में कई दशकों तक अस्थिर सरकार के दौर में कई सरकारें चाहते हुए भी ना रिफॉर्म कर पाए और ना ही आवश्यक निर्णय ले पाए। भारत की जनता ने निर्णायक बनकर इस स्थिति को बदला है। बीते 10 वर्षों में ऐसे अनेक रिफॉर्म्स हुई है जिनका बहुत लाभ देश को आज मिल रहा है। जब ये रिफॉर्म्स किए जा रहे थे तो भी इनका विरोध किया गया था। नकारात्मकता फैसले की कोशिश की गई थी, लेकिन ये सारे रिफॉर्म्स समय की कसौटी पर खरे साबित हुए हैं। 10 साल पहले भारत के बैंकिंग सेक्टर को डूबने से बचाने के लिए सरकार ने बैंकिंग रिफॉर्म्स किए, आईबीसी जैसी कानून बनाए। आज इन्हीं रिफॉर्म्स के ने भारत
के बैंकिंग सेक्टर को दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सेक्टर में से एक बना लिया। हमारे सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक आज मजबूत और लाभदायक है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लाभ 2023-24 में 1.4 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया, जो पिछले वर्षों की तुलना में 35% अधिक है। हमारे बैंकों की मजबूती उन्हें ऋण आधार का विस्तार करने और राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए सक्षम बनाती है। सरकारी बैंकों का NPA भी लगातार कम हो रही है। आज SBI रिकॉर्ड मुनाफे पर है। आज LIC पहले से कहीं अधिक मजबूत है। आज HAL भी देश की डिफेंस इंडस्ट्री को ताकत दे रही है। आज GST भारत की इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने का, व्यापार कारोबार को आसान बनाने का माध्यम बना रहे हैं। अप्रैल महीने में पहली बार GST कलेक्शन ने 2 लाख करोड़ रुपये का स्तर पार कर गया है। इससे राज्यों की आर्थिक ताकत भी बढ़ी है। डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट्स के प्रति भी आज पूरा विश्व आकर्षित हो रही है। माननीय सदस्यगण, एक सशक्त भारत के लिए हमारे सैन्य बलों में आधुनिकता जरूरी है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ रहें, इसके लिए सेनाओं में रिफॉर्म्स की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में डिफेंस सेक्टर में अनेक रिफॉर्म्स किए हैं। GDS जैसे रिफॉर्म्स ने हमारी सेनाओं को नई मजबूती दी है। मेरी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज के रिफॉर्म से डिफेंस सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। 40 से अधिक ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज को 7 निगमों में संगठित करने से उनकी क्षमता और दक्षता दोनों बढ़ी है। ऐसे ही रिफॉर्म्स के कारण भारत आज 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। पिछले एक दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना अधिक होकर 21,000 करोड़ रुपया तक पहुंच चुका है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मास मिसाइल का रक्षा सौदा डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत की पहचान मजबूत कर रहा है। सरकार ने युवाओं और उनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की मजबूत नींव तैयार की है। मेरी सरकार उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स भी विकसित कर रही है। हम सभी के लिए एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष हमारी सैन्य जरूरतों की लगभग 70% खरीद भारतीय उद्योगों से ही की गई है। हमारी सेनाओं ने 500 से अधिक सैन्य साजो सामान को विदेशों में नहीं मंगाना तय किया है। ये सभी हथियार और उपकरण आप सिर्फ भारतीय कंपनियों से ही खरीद की जाएगी। मेरी सरकार ने सैनिकों के हितों को भी हमेशा प्राथमिकता दी है। तभी 4 दशक के बाद 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया गया है। इसके तहत अब तक 1,20,000 करोड़ रुपया दिए जा चुके हैं। शहीद सैनिकों के सम्मान के लिए सरकार ने कर्तव्य पथ के एक छोर पर नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना भी की है। ये प्रयास केवल वीर जवानों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र का नमन ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र प्रथम की अनवरत प्रेरणा का स्रोत भी है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार देश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए जरूरी माहौल बनाने में जुटी है। बीते 10 वर्षों में ऐसे हर अवरोध को हटाया गया है जिसके कारण युवाओं को परेशानी थी। पहले अपने ही प्रमाण पत्रों को अटेस्ट करने के लिए युवाओं को भटकना पड़ता था। आप युवा सेल्फ अटेस्टेड करने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ग्रुप C ग्रुप D भर्तियों से इंटरव्यू को खत्म किया गया है। पहले जो विद्यार्थी सिर्फ भारतीय भाषा में पढ़ाई करते थे,
उनके साथ अन्य अन्याय की जाती थी। मेरी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर इस अन्याय को दूर करने के लिए कदम उठाए। युवाओं को अब भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का विकल्प भी मिला। विगत 10 वर्ष में देश में 7 नई IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 नई एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। मेरी सरकार इन संस्थानों को और मजबूत बनाकर आवश्यकता के अनुसार इनकी संस्था को भी बढ़ाएंगे। सरकार एक डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। अटल टिंकरिंग लैब्स, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसे अभियान हमारे युवाओं का सामर्थ्य बढ़ा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों से आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी और बढ़ाने के लिए मेरा युवा भारत माय भारत अभियान की शुरुआत भी की है। इसमें अब तक 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं का पूंजीकरण हो चुका है। इस पहल से युवा में नेतृत्व कौशल और सेवा भावना का बीजारोपण होगा। आज हमारे युवाओं को खेलों में भी आगे बढ़ने के नए अवसर मिल रहे हैं। मेरी सरकार के प्रभावी प्रयासों का परिणाम है कि भारत के युवा खिलाड़ी वैश्विक मंच पर रिकॉर्ड संख्या में मेडल्स जीत रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद पेरिस ओलंपिक्स में भी शुरू होने वाले जा रहे हैं। ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हर खिलाड़ी पर हमें गर्व है। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। इन उपलब्धियों को और आगे ले जाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ 2036 ओलंपिक्स खेलों की मेजबानी की तैयारी भी कर रही है। माननीय सदस्यगण, जुलाई की 1 तारीख से देश में भारतीय न्याय संहिता भी लागू हो जाएगी। अंग्रेजी राज में गुलामों को दंड देने की मानसिकता थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के अनेक दशकों तक गुलामी के दौर की यही दंड व्यवस्था चलती रही। इसे बदलने की चर्चा अनेक दशकों से की जा रही थी, लेकिन ये साहस भी मेरी सरकार ने ही करके दिखाए हैं। आप दंड के जगह न्याय को प्राथमिकता होगी, जो हमारे संविधान हजारों वर्षों की हमारी विरासत प्रेरणा देती है। इसलिए पूरे देश में तीर्थस्थलों को, आस्था और अध्यात्म के केंद्रों को सजाया सुवारा जा रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार विकास के साथ ही विरासत पर भी उतना ही गर्व करते हुए काम कर रही है। विरासत पर गर्व का ये संकल्प आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वंचित वर्ग और सर्व समाज के गौरव का प्रतीक बन रहा है।
मेरी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है। आप अगले वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। देश रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती को भी व्यापक स्तर पर मना रहा है। पिछले महीने ही देश ने रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती का साल भर चलने वाला महोत्सव भी शुरू किया गया। इससे पहले सरकार गुरु नानक देव जी का 550वां और गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व भी धूमधाम से मना चुके हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव से काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे उत्सवों की परिपाटी भी मेरी ही सरकार ने शुरू की है। इन आयोजनों से हमारी नई पीढ़ियों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा मिलती है और राष्ट्र पर गौरव का भाव और मजबूत होता है। माननीय सदस्यगण, हमारी सफलताएं हमारी साझी धरोहर है, इसीलिए उन्हें अपनाने में संकोच नहीं, स्वाभिमान होना चाहिए। आज अनेक सेक्टर्स में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ये उपलब्धियाँ हमें हमारी प्रगति और सफलताओं पर गर्व करने की अपार अवसर देती है। जो भारत डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में अच्छा प्रदर्शन करता है तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से उतारते हैं तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी बनता है तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत इतना बड़ा चुनाव अभियान बिना बड़ी हिंसा और अराजकता से पूरा कराए तो भी हमें गर्व होना चाहिए। आज पूरा विश्व हमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में सम्मान देता है। भारत के लोगों ने हमेशा लोकतंत्र के प्रति अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया है। चुनाव से जुड़े संस्थाओं पर पूरा भरोसा जताया है। स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमें इस विश्वास को सहेज कर रखना है, इसकी रक्षा भी करना है। हमें याद रखना होगा लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया पर लोगों के विश्वास को चोट पहुंचाना उसी डाल को काटना जैसे जिस पर हम सब बैठे हैं। हमारे लोकतंत्रों की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाने की हर कोशिश की सामूहिक आलोचना होना चाहिए। हम सभी को वो दौर याद है जो बैलेट पेपर छीन लिया जाता था, लूट लिया जाता था। मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए ईवीएम को अपनाने का फैसला किया गया था। पिछले कई दशकों में ईवीएम में सुप्रीम कोर्ट से लेकर जनता की अदालत तक हर कसौटी को पार किया है। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी सदस्यों से अपनी कुछ और चिंताएं भी साझा करना चाहती हूँ। मैं चाहूँगी कि आप सभी इन विषयों पर चिंतन मनन करके इन विषयों पर ठोस और सकारात्मक परिणाम देश को दें। आज की संचार क्रांति के युग है। मैं विघटन करी ताकते लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज में दरार डालने की साजिश रच रहे हैं। ये ताकते देश के भीतर भी है और देश के बाहर भी संचालित हो रहे हैं। इसके द्वारा अफवाह फैलाने का, जनता को भ्रम में डालने का, मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लिया जा रहा है। इस स्थिति को ऐसे ही बेरोकटोक नहीं चलने दिया जा सकता है। आज के समय में टेक्नोलॉजी हर दिन और उन्नत हो रही है। ऐसे में मानवता के विरुद्ध इनका गलत उपयोग बहुत घातक है। भारत ने विश्व मंच पर भी इन चिंताओं को प्रकट किया है और एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की वकालत की है। हम सभी का दायित्व है कि इन प्रवृत्ति को रोके, इस चुनौती से निपटने के लिए नई रास्ते खोजें। माननीय सदस्यगण, 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में आज ग्लोबल ऑर्डर एक नया शक्ल ले रहा है।
मेरी सरकार के प्रयासों से आज भारत विश्व बंधु के रूप में